सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, द फ्रंट पे आपका स्वागत है। मैं हूँ दीपाली श्रीवास्तव। आज और अभी में देश दुनिया की बड़ी खबरें। रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने बताया कि 18 से 19 महीनों के अंदर रूस भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम सौंप देगा। पिछले साल 5 अक्टूबर को दिल्ली में भारत और रूस के बीच हुई वार्षिक द्विपक्षीय बैठक में ये डील की गई थी। ये डिफेंस सिस्टम एक मिसाइल शील्ड की तरह काम करेगा। चीन के बाद इस डिफेंस सिस्टम को खरीदने वाला भारत दूसरा देश है। स्विट्जरलैंड सरकार ने स्विस बैंकों में भारतीय खाता धारकों की पहली लिस्ट भारत को सौंप दी है। इस लिस्ट में उन भारतीयों से जुड़ा हुआ डाटा है जिनके विदेशी बैंकों में खाते साल 2018 के बाद एक दिन भी एक्टिव रहे हैं। इस डाटा से स्विस बैंकों के खातों में अघोषित संपत्ति रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई में मदद मिलेगी। भारतीय खुफिया विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जम्मू और राजस्थान बॉर्डर पर आतंकी घुसपैठ और धमाकों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने आतंकी हमलों के लिए जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को रिहा कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान ने जम्मू और राजस्थान सेक्टर में अपने अतिरिक्त सैनिक भी तैनात कर दिए हैं। स्पेन के राफेल नडाल ने चौथी बार यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है। नडाल 34 साल में यूएस ओपन जीतने वाले इकलौते बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं। विवादों में घिरी फिल्म गुमनामी का ट्रेलर रिलीज हो गया। इस फिल्म में प्रोसेनजीत चटर्जी ने लीड रोल निभाया है और डायरेक्शन श्रीजीत मुखर्जी ने किया है। ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। ये थी अभी तक की बड़ी खबरें। देश और दुनिया के हर बड़े मुद्दे पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए देखते रहिए द फ्रंट। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।